हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक इन एडवांस। गाइस, आज की जो वीडियो है उसमें मैं लाई हूँ आपके लिए पिंक ग्लोई मेकअप लुक। एंड ये मेकअप लुक वैसे तो आप किसी भी ओकेशन, पार्टी, फंक्शन या किसी भी फेस्टिवल पर कैरी कर सकते हैं, बट मैंने ये लुक स्पेशली ईद के लिए बनाया है। आई रियली होप कि आपको पसंद आएगा। सो एंजॉय करें वीडियो को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्किन को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ फर्स्टाली का 24 कैरेट गोल्ड सीरम। ये आपकी स्किन को एकदम ग्लोई बना देता है इंस्टेंटली। सो सबसे पहले मैं इसको यूज़ करूँगी। मसाज कर लेने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आइबा एंड लोटस हर्बल्स के फेस सीरम। ये बहुत ही अच्छे सीरम है गाइस, मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड मेरी स्किन पर बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। सो मैं इन दोनों की फ्यू ड्रॉप्स अपने पाम पे ले रही हूँ एंड को मिक्स करके अपने फेस पे ऑल ओवर द फेस अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैं ले रही हूँ ये मैक का HD फाउंडेशन। आप चाहें तो आप कोई सा भी फाउंडेशन ले सकते हैं, मेरे पास यही वाला है इस टाइम, तो मैं यही वाला यूज़ कर रही हूँ। एंड देन मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। कंसीलर के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का पैन स्टिक कंसीलर। इसका शेड नंबर है 02 एंड काफ़ी अच्छा कंसीलर है, मैं काफ़ी टाइम बाद यूज़ कर रही हूँ, सो आई थॉट इसको यूज़ किया जाए। देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे स्किन में, पूरे फेस को, जहाँ जब भी हमने कंसीलर यूज़ किया है। अब आज थोड़ी सी कॉन्ट्यूरिंग भी कर लेते हैं, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक जो कि है ब्लू हेवन की तरफ से। एंड गाइस, मैंने आपको पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है कॉन्ट्यूरिंग के ऊपर कि आप कॉन्ट्यूरिंग कैसे कर सकते हैं बिल्कुल बिगनर की तरह एंड यूजिंग अ लिपस्टिक। सो आप वो वीडियो इस आई बटन पर चेकआउट कर सकते हैं। नाउ अब मैं कॉम्पैक्ट पाउडर की जगह बेबी पाउडर यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा मैट इफेक्ट देना है पूरे फेस पे, सो इसलिए ब्रश की हेल्प से मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। देन आई एम यूजिंग माई फेवरेट ग्लैड शीन हुडा ब्यूटी पैलेट एंड इसमें से मैं ये डार्क पिंक एंड लाइट पिंक शेड को अच्छे से मिक्स करके ना अपनी दोनों आईलिड्स पे लगा लूँगी। देन ब्लेंडिंग ब्रश से भी इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे अगर कुछ कमी रह जाती है तो। देन मैंने शैम्पेन गोल्ड कलर लिया है उसी पैलेट में से एंड इसको भी मैं फिंगर की हेल्प से अपनी दोनों आईलेट्स पर अप्लाई करूँगी। देन अपनी ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रही हूँ। अब बारी आती है आईब्रोज की। सो मैंने आईब्रो पेंसिल ली है, फिल कर रही हूँ एंड एक्सेस कलर को ब्रश ऑफ कर दे रही हूँ, उसके पीछे ब्रश भी होता है। बारी आती है आई लाइनर की। सो मैं अपने फेवरेट लैक्मे इंस्टा लाइनर यूज़ कर रही हूँ एंड बहुत ही सिंपल सा लाइनर यूज़ करूँगी, ज़्यादा विंगी टाइप का कुछ नहीं करूँगी इस बार। सो बेसिक सा बोल्ड आई लाइनर लगा लेंगे हम। बोल्ड आई लुक के लिए नीचे भी फिल आउट करना ज़रूरी होता है, या तो आप लाइनर लगाइए, बट नीचे लाइनर लगाना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, तो आप काजल को बोल्ड करके नीचे लगा सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा लुक आता है। सो मैं वही कर रही हूँ, ब्लू हेवन का काजल है मेरे पास। स्विस ब्यूटी का ये डार्क पिंक शेड लिक्विड लिपस्टिक ली है एंड इससे मैं सिर्फ अपनी जो आउटर लाइन आउटलाइन होती है लिप्स को उसको करूँगी, अंदर फिल करने के लिए मैं एक लाइट शेड लूँगी। सो ये काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा करने के बाद, आप भी ट्राई कर सकते हैं।
अब हिलेरी रोडा की बुलेट लिपस्टिक ले रही हूँ, उसका जो शेड है उससे थोड़ा सा लाइट शेड है तो उसको मैंने अंदर फिल आउट किया है। देन थोड़ा अपने लिप्स को शेमरी बनाने के लिए थोड़ा सा यू नो हाइलाइटर्स के लिप्स को लिप्स के ऊपर थोड़ा सा लगा रही हूँ, तो उससे थोड़ा शेमरी इफेक्ट आ जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है, आप भी ट्राई करके देखिएगा। देन अपने चीक्स को कैसे भूल सकते हैं यार, सो ब्लश लगा रही हूँ, ये ब्लू हेवन की तरफ से है, एंड थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लूँगी अपनी नोज एंड चीक्स को। देन गाइस बारी आती है फेवरेट पार्ट की, यानी एसेसरीज की। कोई भी लुक एसेसरीज के बिना कंप्लीट नहीं होता है, सो बैंगल्स एंड दिस नेकलेस एंड इयर रिंग सेट जो कि मेरे पास था, सो मैं ये यूज़ कर रही हूँ इस लुक को कंप्लीट करने के लिए। सो गाइस माय लुक इज डन एंड दिस इज द फाइनल लुक, हैव अ लुक गाइस। रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन पर भी आ जाएगा। सो टेक केयर एंड बाय।